हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी और फ्रेंड्स, आज मैं आपको कान्हा जी की ड्रेस का एक न्यू डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी वे में मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी और वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगी किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए आप ये डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना सीखना है तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पोशाक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें घेर बनाना होगा। घेर बनाने के लिए मैंने ये बेस कट कर लिया है, जिसका डायमीटर मैं दिखाती हूँ आपको, जिसका डायमीटर 9 इंच है। देखिए, 9 इंच के डायमीटर का हमने एक पीस कट कर लिया है सर्कल में। अब हम सबसे पहले कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाने के लिए इसको फोल्ड करेंगे एक बार, फिर एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको। और जो ये नोक वाला पोर्शन है, यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। एक इंच से एक पॉइंट ज़्यादा पर मैं ये कमर का निशान लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है, क्योंकि हम ये 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। और ये जो मैंने 2 निशान लगाए हैं, इन दोनों निशानों को आपस में गोलाई में मिला देंगे इस तरह से। देखिए, ये गोलाई में मिला दिया। अब इस निशान को हम कट कर देंगे। ये देखिए, ये कमर का निशान कट हो गया। अच्छा, डायमीटर लेना मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में सिखा रखा है, बहुत इजी वे में। उस वीडियो में मैंने आपको डायमीटर लेना सिखाया है कि किस साइज़ के कान्हा जी के लिए कितना डायमीटर लेना चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए। तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम इसको एक साइड से ओपन कर लेंगे, जिसे हमें पहनाने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँगी। ये ओपन कर लिया। अब देखिए, ये ओपन पोर्शन है और ये गोल है, तो हमें पूरे में सिलाई लगानी होगी एक पैर की, इस तरह से, यहाँ से ऐसे पूरी गोलाई में। और ये, जिससे कि ये जो खुल गया है कट करने की वजह से, ये इसमें ही अटैच हो जाए। चलिए, तो निशान सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, तो ये पीछे की साइड से कपड़ा इसमें अटैच हो गया है। मैं दोनों साइड इसमें कपड़ा लगाती हूँ, जिससे कि जो हमने पेस्टिंग यूज़ की है वो दिखाई ना दे, क्योंकि वो वाइट मुझे दिखना अच्छा नहीं लगता है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 3 कलर की नेट ली है। एक येलो कलर लिया है, एक वाइट कलर लिया है और एक पिंक कलर लिया है। आपको जो भी कलर पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइन बना सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है। अब हम कमर से नीचे तक नापेंगे कि कितना है ये। देखिए, ये 4.25 इंच आ रहा है कमर से लेकर नीचे तक। तो हम 4.25 इंच लंबी और काफ़ी लंबी, सॉरी, 4.25 इंच चौड़ी और लंबाई में जितना भी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा रहता है। फ्रिल डालकर बनाएंगे डिज़ाइन, इसलिए तो जितना भी आपका निकल सके, 50 इंच तो लेना ही है, अदरवाइज जितना भी निकल सके उतना आप अपनी नेट में से निकाल लें, किसी भी एक कलर का। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक पट्टी कट कर ली है, 4.25 इंच लंबी चौड़ी है, सॉरी, और लंबाई में ये 50-55 के आसपास है। अब हम इस पट्टी में बारीक बारीक प्लेट्स डालकर फिल तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह से डालेंगे प्लेट्स। ये कपड़ा यहाँ से ऐसे उठाएंगे और ऐसे रखेंगे, फिर इसके पीछे से इस तरह से पास पास डाल कर फिल तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरी पट्टी पर प्लेट्स डालकर हमें फ्रिल तैयार कर लेनी है। चलिए, तो कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्लेट्स डालकर मैंने ये फ्रिल तैयार कर ली है, बिल्कुल इक्वल डली हुई हैं प्लेट्स, देखिए बहुत अच्छे से। अब हमें क्या करना है, अपना बेस लेना है, जो हमने बेस तैयार कर रखा है उसको, और आधे पोर्शन में, जैसे कि आधा पोर्शन ये है, आधा ये है, हमने देखिए बीच में से कट कर रखा है, बिल्कुल इसकी सीध में हमारे यहाँ पर एक निशान बना हुआ है। ये देखिए, अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, ये निशान बना हुआ है। तो हम इधर से, यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक ये फ्रिल इसमें अटैच करेंगे। देखिए कैसे अटैच करेंगे, ऐसे रखेंगे बिल्कुल कमर के पास और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको कट कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम आराम से कट कर सकते हैं। ठीक है, एक साइड से हम आधे में इसको अटैच करेंगे, फिर जो ये बाहर वाला पोर्शन है इसमें प्लेट्स अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। देखिए ये प्लेट्स खुद ही सेट हो रही हैं बहुत अच्छे से, कोई ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा है इसे करने में सेट। देखिए इस तरह से आधे पोर्शन में हमें ये फ्रिल इस पर अटैच कर देनी है, कमर की साइड और बाहर की साइड। चलिए तो हम इतना काम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आधे पीस में मैंने इसको अटैच कर दिया है, बहुत फिनिशिंग के साथ ही अटैच हुआ है, बहुत इजी वे में बताया मैंने आपको, आप भी ऐसे ही कीजिएगा, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अटैच करने में। अब हमें इधर की साइड का डिज़ाइन बनाना है। इधर की साइड डिज़ाइन बनाने के लिए मैं एक पट्टी येलो में से, एक वाइट में से और एक पिंक कलर में से तीन पट्टियाँ कट करूँगी, एक एक पट्टी तीनों कलर में से। तो वो कितने नाप की हमें करनी है देखिए, अब हम इधर वाला पोर्शन नापेंगे, ये हमारा 4.25 इंच आ रहा है, इसका हम तीन पार्टीशन में चेंज कन्वर्ट करेंगे। पहला हो जाएगा 1.25 इंच, दूसरा फिर 1.25 इंच और तीसरा फिर से 1.25 इंच। देखिए 1.25 इंच के मैंने ये तीन पार्टीशन कर लिए हैं, 1, 2, 3, इन तीनों पार्टीशंस में हमें तीन कलर की फ्रिल अटैच करनी है। तो 1.25 इंच यानी कि हमें डबल फोल्डेड 1.25 इंच पट्टी चाहिए, तो अगर हम सिंगल उसको नापें तो हमारा 2.5 इंच आ जाता है। तो 2.5 इंच चौड़ी और लगभग 50 इंच लंबी हमें तीन पट्टियां कट करनी होंगी, तीन पट्टियां 2.5 इंच चौड़ी और 50 इंच यानी कि 50 इंच लंबी हमें पट्टी कट कर लेनी है। चलिए तो हम तीन पट्टियां कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये तीन पट्टियां कट कर ली हैं, तीनों पट्टियां 2.5 इंच चौड़ी और 50 इंच लंबी हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से हम इनको फोल्ड करेंगे और जिस तरह से हमने ये वाली फ्रिल तैयार की थी ऐसे ही इन तीनों पट्टियों से फ्रिल तैयार कर लेंगे। फ्रिल तैयार करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये तीनों पट्टियां तैयार कर ली हैं, अब आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। ये मैंने लेस ली है जो मार्केट में इजीली मिल जाती है, वैसे आप कोई भी लेस यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब हमें क्या करना है, इस लेस को हाफ सर्कल में इस तरह से लगाना है, जो सर्कल हमने पहले तैयार कर लिया है फ्रिल डालकर उसके ऊपर इसको अटैच करना है, पूरे में कर देना है गोलाई में। ये देखिए पूरे आधे सर्कल पर हमने इसको अटैच कर लेना है, फिर आगे का प्रोसेस हम बताते हैं, पहले ये कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रिल मैंने इस पर लगा दी है, अब हम अपनी जो हमने छोटी छोटी फ्रिल्स तैयार की थी तीन कलर की, उन्हें लेंगे, पिंक, वाइट एंड येलो। देखिए अब जो हमारा ये आधा सर्कल बचा हुआ है इसके ऊपर हम इसको अटैच करेंगे, देखिए इस तरह से पूरे में इसको अटैच कर देंगे। पहले मैं येलो लगाऊंगी, देखिए इस तरह से, फिर पिंक लगाऊंगी, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसको कट करके इसके इक्वल कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से अब मैं वाइट लगाऊंगी, इस तरह से ये तीनों फ्रिल हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे। इन्हें अटैच करने के बाद आगे से लॉक कर लेंगे। लॉक करना मैंने आपको अपनी काफी वीडियोस में बता रखा है। ये मैंने सिल्वर कलर का गोटा लिया है, इससे मैं इसको आगे से लॉक कर दूंगी। तो चलिए इतना काम कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रिल मैंने इस पर अटैच कर दी हैं, आगे से इसको लॉक कर दिया है, नेफा भी लगा दिया है, आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब हमने ये फ्लावर्स लिए हैं कुछ, देखो ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, अब हम इनको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। देखिए
देखिए इस तरह से यहाँ पर इनको ऐसे लगा देंगे। ये आप ग्लू की हेल्प से लगा दे सकते हैं या सुई धागे की हेल्प से, कैसे भी आप इनको लगा सकते हैं। और इनको लगाने से हमारी पोशाक और भी सुंदर लग रही है। देखिए, चलिए तो इनको मैं लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर मैंने इसमें लगा दिए हैं और ये बहुत प्यारी लग रही है। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किसी भी साइज के हम बना सकते हैं। अगर आप छोटे साइज के कान्हा जी की ये पोशाक बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, देखिए। जैसे मैंने ये तीन फ्रिल डाली है इसमें, 1, 2, 3। तो अगर आप 2 या 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ये बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 फ्रिल ले लें, तीन फ्रिल ना लगाकर 2 फ्रिल लगाएं और इसका डायमीटर कुछ कम कर लें। तो आप इसको 2 नंबर में बना सकते हैं, 3 नंबर में बना सकते हैं, 4 नंबर में, मैंने आपको ये बताई ही है। और अगर आपको इससे बड़े साइज के कान्हा जी के लिए 7, 8, 9, उसी तरीके से आप एक एक फ्रिल इसमें बढ़ा लें। जैसे मैंने इसमें 3 लगाई है, आपको अगर 7 या 8 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी है तो आप इसमें 4 फ्रिल बना लें। और 9, 10 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी है तो आप इसमें 5 फ्रिल बना लें। इसी तरह से जितने भी फ्रिल आप बढ़ाएंगे उतने साइज के कान्हा जी के लिए आप इसको बना सकते हैं, और कम करने से आप इसको छोटे कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरे सिखाने का मेथड अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये पोशाक बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।